Yes, Vafia, my face is not visible because I haven't started my camera yet. So, let's start our chapter. The Mughal Empire. The Sayyid and Lodhi ruler failed to stop the decline of the Delhi Sultanate, and Babur took full advantage of political coups and established the rule of Mughal dynasty in India. Now, Sayyid and Lodhi dynasties जो थी वो अपने decline होने मतलब अपने empire को decline होने से नहीं बचा पाई, जिसके कारण Delhi Sultanate पे किसने rule किया? मुगल्स ने. एंड उसमें बहुत बैटल्स लड़े उन्होंने और फिर मुगल्स ने उसे रूल किया. अब इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं? यू विल लर्न अबाउट हाउ द मुगल्स एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया. मुगल्स सिंस मुगल्स जो थे वो इंडियन नहीं थे, दे वर नॉट इंडियन, तो मुगल ने अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश किया इंडिया में. अबाउट द मुगल रूलर्स, कितने रूलर्स थे, कितने किंग्स थे मुगल के, मतलब कितनी जनरेशंस ने रूल किया है. देन द पॉलिसीज फॉलोड बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस. अब जो पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की है, भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या रिलीजियस पॉलिसी हो. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मैनेज करने की पॉलिसीज. क्या क्या उनके रूल्स थे, जैसे जिस एरिया को वो क्या करते थे, रूल करते थे, उसमें वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते थे, और उनकी रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, वो जो रिलीजन फॉलो करते थे या जितने भी रिलीजन थे उनको कैसे फॉलो करते थे या मैनेज करते थे. Why the mighty Mughal decline? और फिर उसके बाद कि मुगल एम्पायर, सिंस मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिक्लाइन हुआ, तो उसका रीजन क्या है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, तो उसके रीजन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो एक आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है अबाउट द टाइम ड्यूरेशन. इट्स अ टाइम फ्रेम. हियर इन 1956 बैटल ऑफ पानीपत, बाबर फाउंड्स मुगल डायनेस्टी. फिर हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन 1540, शेर शाह सूरी असेंडेड द थ्रोन इन 1556, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर असेंडेड द थ्रोन, जहांगीर असेंडेड द थ्रोन. सो ये पूरी क्या है, एक टाइम लाइन चार्ट है, जिसके कारण जो कि दिया गया है कि आपको बेटर तरीके से ये टाइम फ्रेम समझ में आए, ठीक है. देन इन 1653 ताजमहल वॉज बिल्ट. फिर 1658 में औरंगजेब ने थ्रोन को असेंड किया या सक्सेसर बने. देन नेक्स्ट डेथ ऑफ औरंगजेब, और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी. और फाइनली 1857 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जो कि और इसी पर्टिकुलर टाइम पे मुगल डायनेस्टी जो थी वो एंड हो चुकी थी. फिर उसके बाद ब्रिटिश ने रूल किया था. गॉट इट? नाम व्हाट हैपेंड सानिध्य. Sanid, do you have any doubt? Okay. So ये एक टाइम फ्रेम है, ठीक है. सो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द मुगल्स.
Mughals. The Mughals claimed to be descendants of Genghis Khan, the ruler of Mongol tribes of China and Central Asia. अब ये जो मुगल्स थे ये किसके descendants थे, मतलब किसके successors थे. Descendants का मतलब होता है successors, या बोल सकते हैं हम उनकी हेरिडेटरी, या सक्सेसर ही कहें तो ज्यादा बेटर है. सो डिसेंडेंट्स थे मुगल, क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान, द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. चाइना और सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स जो थे, ठीक है, उनके सक्सेसर्स थे मुगल्स, जो कि गेंगीज खान उनका नाम था. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर फिफ्थ जनरेशन डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, हु अटैक्ड दिल्ली इन 1358. अब 1358 में तैमूर ने इंडिया को क्या किया था, अटैक किया था, और उनकी ही फिफ्थ जनरेशन ने इंडिया को फिर रूल किया. ठीक है, द नेम मुगल वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोंगल. और ये जो मुगल वर्ड है ये मोंगल वर्ड से डिराइव किया गया है. 1390, यस नो, 1398. आपका सेंस टाइमिंग 12:40 का है, सो मेक श्योर कि आप 12:40 पर क्लास में इंटर हो जाएं. ठीक है, बी पंक्चुअल अबाउट योर टाइम. The Mughals followed the Timurite tradition of succession, in which the inheritance of the throne was shared among the brothers. Now, Mughals में जो ये Timurite tradition था, Timur जो उनके forefathers जो थे, उनका एक tradition था succession का, about inheritance. Inheritance का मतलब होता है heritage, विरासत. ठीक है, हेरिटेज ऑफ थ्रोन, कि उनका जो सन है वो सक्सीड करेगा. तो इस तरीके से उन्होंने उस ट्रेडिशन को और ज्यादा फॉलो किया. वो शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स, उनके ब्रदर्स के बीच में सक्सेशन की जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया गया, कि फर्स्ट एक किंग है, फिर उनका सन किंग बनेगा. सो इस ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया. दिस ऑलवेज लेफ्ट रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ब्रदर्स हु वर कीन टू रूल द मुगल एम्पायर. और इसके कारण जो ब्रदर्स थे, जैसे मुगल एम्पायर में इफ अ किंग इज हैविंग टू सन, तो द फर्स्ट वन विल बिकम किंग, एंड व्हाट अबाउट सेकेंड. सो इन दो ब्रदर्स में हमेशा ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रहती थी. इज जस्ट एग्जाम्पल. लेकिन ऐसे ब्रदर्स अगर उनमें है, अगर उनके कोई ब्रदर्स हैं, तो उनके बीच में क्या होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी अबाउट रूलिंग द एम्पायर. देर वर मेनी रेफरेंसेज ऑफ रिबेलियन बाय द मुगल प्रिंस इन द कॉन्टेम्पररी अकाउंट लेफ्ट बाय द हिस्टोरियंस. और ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेज हैं, बहुत सारे ऐसे रिटर्न प्रूफ हैं जो बताते हैं रिबेलियन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्ट करना, फाइट करना. तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि मुगल एम्पायर में ब्रदर्स के बीच में भी क्या होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी रिगार्डिंग द थ्रोन. थ्रोन के रिगार्डिंग उनके बीच में लड़ाई होती थी. थ्रोन मीन्स अपोजिशन ऑफ किंग, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम किंग. तो इस कारण से उनके बीच में क्या होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी. तो यहां तक आपको समझ में आया अबाउट द मुगल्स. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मुगल्स क्या है, कहाँ से उनका ओरिजिन है. देवर द ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, रूलर ऑफ मंगोल. ठीक है, और तैमूर की वो फिफ्थ जनरेशन थी. एंड देन हमने पढ़ा है कि उनमें मेजर प्रॉब्लम ये थी कि वो कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट होती थी उनके बीच में अबाउट रिगार्डिंग दी थ्रोन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम किंग, तो इस कारण से उनके बीच में लड़ाई होती थी. तो द फर्स्ट किंग वॉज बाबर. किस किस से नाम सुना है बाबर का, किसी ने नहीं सुना?
है सुना है। ओके तो बाबर, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बाबर। बाबर अब इनका जो रेन था, मतलब इनकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, सिर्फ इतने ही टाइम उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, सबसे पहले मुगल एम्परर थे। असेंडेड द थ्रोन एट फारघना, अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी इन ट्रांसोक्सना इन 1494। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज होम टाउन बाय उज़्बेक्स। अब सिंस वो जो बाबर थे, उन्हें उनकी जो सिटी थी, जो स्मॉल होम टाउन था उनका, जहां वो रहते थे, उससे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ उज़्बेक बाय द उज़्बेक। He carved out a fresh territory for himself in Kabul in 1504। और फिर उसके बाद उन्होंने एक फ्रेश टेरिटरी में उन्होंने काब किया, या बोल सकते हैं रूल किया, इन काबुल इन 1504। द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर सिकंदर लोधीज डेथ एंड इन्वेडेशन फ्रॉम दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, एनकरेज बाबर टू अटैक इंडिया। और फिर जैसे ही उन्हें अपनी होम टाउन से क्या किया गया था, थ्रो कर दिया गया था, थ्रो आउट ऑफ देयर सिटी, तो उन्होंने वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। सिंस इंडिया में बहुत वेल्थ थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अटैक किया। और इसके लिए उन्हें इनकरेज किसने किया था, दौलत खान लोधी ने इनकरेज किया था। वो वाज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, और उन्होंने वेट अ सेकेंड, एट द फर्स्ट बैटल, आपको मेरी आवाज आ रही है राइट? ओके, एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि कब हुआ था, 1526 में, तो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, उन्होंने इब्राहिम लोदी को क्या किया, डिफीट किया, हरा दिया। द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड एस्टेब्लिश मुगल रूल इन इंडिया। और जैसे ही उन्होंने, तब दिल्ली का किंग कौन था, इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, जैसे ही उन दोनों के बीच में बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल हुआ, तब इब्राहिम लोधी उस पर्टिकुलर बैटल में हार गए। और तब मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश, या मुगल रूल को स्टैब्लिश किया गया, और वो दिल्ली के किंग बन गए। ठीक है, ही ऑल्सो डिफिटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड चीफ्टेन्स इन एंड अराउंड दिल्ली एंड आगरा एट द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। अब उन्होंने सिर्फ दिल्ली पे, दिल्ली के किंग इब्राहिम लोधी को नहीं, और भी बहुत सारे किंग्स को उन्होंने क्या किया, हराया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड दिल्ली के इन अराउंड जो एरिया है, दिल्ली और आगरा के अराउंड जो एरिया था, उनके भी जितने छोटे छोटे या जो एरियाज के किंग थे, उन्हें भी क्या किया था, डिफीट किया था। देन इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। और 1528 में उन्होंने राजपूत को भी डिफीट किया, हराया चंदेरी में। All this helped Babur to lay the foundation of All India
एम्पायर, और जिसके कारण वो कंटिन्यूअस अपने जो एरियाज को एक्सपांड करते गए और ज्यादा कंसोलिडेट करते गए, और जिस जिस एरिया पर उन्होंने या जिस जिस एरिया के लोगों को या किंग को उन्होंने डिफीट किया, वो पर्टिकुलर एरिया उनके अंडर आ गया और फिर वो रूल करने लगे. द इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर वर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. अब इन सारे किंग के नाम आपने सुने होंगे आई गेस, राइट? सुने है ना? यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. तो ये सब क्या है? बाबर की वो है, सक्सेसर्स हैं. जैसे हुमायूं के बाद, बाबर के बाद आए थे हुमायूं, देन अकबर, देन हिज सन जहांगीर, देन हिज सन शाहजहां एंड देन हिज सन औरंगजेब. ये इनकी जनरेशंस हैं. तो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हुमायूं. औरंगजेब का नहीं सुना है. ओके हर्षित, अब सुन लिया. ओके हुमायूं, अब इनका जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 1530 टू 1556. इस ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने रूल किया. आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1530. अब बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने सक्सीड किया कौन से ईयर में? 1530 में. टू सस्टेन इम्पीरियल पावर एंड हेगेमोनी. सानिधि मेरी, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल? इज इट ऑडिबल प्रॉपरली? इफ इट इज ओके. सानिधि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, बाकी सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है. सो मेक श्योर कि आप ऐसे एरिया में बैठे जहां पे नेटवर्क आ रहा हो. ओके, बाकी सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है. सो ये हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, राइट? हर्ष महारेश्वरी, हुमायूं के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे अभी. वेट, आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? लेट्स सी. जिस जिसको मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है बेटा, मेक श्योर कि आप प्रॉपर एरिया, कनेक्टिविटी एरिया में बैठे हो, ठीक है? ओके, आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1530 टू सस्टेन इम्पीरियल पावर एंड हेजमनी. हेजमनी का मतलब यहाँ पे होता है लीडरशिप, ठीक है? हेजमनी का मतलब होता है लीडरशिप. मैंने हार्ड वर्ड्स को ऑलरेडी क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है. अगर आपको उसमें मीनिंग लिखना है तो आप लिख सकते हैं. हेजमनी का मतलब होता है लीडरशिप. गॉट इट? हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान्स बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट. अब हुमायूं ने सक्सीड किया उनके फादर को ताकि उस पर्टिकुलर पावर को वो सस्टेन कर सके, चला सके और लीडरशिप को भी कर सके, कंट्रोल कर सके उन एरियाज को और ज्यादा कंसोलिडेट कर सके. इन सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें सक्सीड किया. हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान्स बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट. अब हुमायूं को अफगान से, अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं अफगान्स, उन अफगान से क्या करना था, फाइट करना था दोनों ही साइड से, फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट. एट द सेम टाइम ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज. हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है अपोजिशन, अपोज करना. हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है अपोज करना. तो एट द सेम टाइम ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स विच वीकेन हिज कॉज अगेंस्ट द अफगान्स. अब सिंस उस सेम टाइम पे जैसे ही हुमायूं ने थ्रोन को सक्सीड किया, तो जो ब्रदर्स थे, हुमायूं के जो ब्रदर्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में क्या हुआ, एक रिबेलियन हुआ, अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुई, दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम किंग.
किंग, सो जिसके कारण उनकी जो पोजीशन है वो वीक हो गई. एट द सेम टाइम ही हैज टू फेस हॉस्टिलिटीज फ्रॉम हिज ओन ब्रदर विच वीकेंड हिज कॉज अगेंस्ट दी अफगान्स. और अफगान यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर खान. और उस टाइम पे अफगान का किंग कौन थे? शेर खान थे, हु वाज पॉपुलरली नोन एज शेर शाह सुर. और अफगान के उस लीडर को का एक और नाम क्या था? शेर शाह सुर नाम था. शेर खान रूल्ड फ्रॉम सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार. और उस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है या जो बिहार का जो एरिया है, जो मॉडर्न डेज में बिहार जिसे हम कहते हैं, उस एरिया में शेर खान वहां पर रूल करते थे. दे कैप्चर्ड गौर, द कैपिटल ऑफ बंगाल, एंड बिसीज्ड. बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडिंग बाय फोर्स या आर्मी एमिंग टू कैप्चर द एरिया. मतलब एक ऐसा एरिया जिसको एनिमी की आर्मी ने क्या किया हो, कैप्चर कर लिया हो या सीज कर दिया हो, राइट? तो दे कैप्चर्ड गौर, द कैपिटल ऑफ बंगाल, एंड बिसीज्ड महमूद शाह, द रूलर ऑफ बंगाल. और बंगाल के रूलर को उन्होंने क्या किया था? सीज कर दिया था. देन शेर खान डिफीटेड हुमायूं. शेर खान ने हुमायूं को डिफीट किया, राइट? फर्स्ट एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड देन एट कन्नौज इन 1540. हुमायूं फ्लीड फ्रॉम इंडिया. और उस टाइम पर जैसे ही हुमायूं उस बैटल में हारे, उन्होंने क्या किया? ही रेन अवे. फ्लीड का मतलब होता है रेन अवे, भाग जाना. सो ही रेन अवे फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से भाग गए. एंड सॉट रेफ्यूजी एट पैरसिया. और फिर वो कहाँ पे? पैरसिया में रहने लगे. शेरशाह एस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी विथ हिज कैपिटल एट दिल्ली. और फिर शेरशाह ने अपनी सू डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया दिल्ली में. ही इंट्रोड्यूस्ड दी रुपया, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड पोस्टल सिस्टम. और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि मिलिट्री है, पोस्टल सिस्टम है. उन्होंने रुपया कॉइन जो होते हैं उसे इंट्रोड्यूस किया. हिज लैंड रिवेन्यू पॉलिसी बिकेम द बेस ऑफ लेटर मुगल लैंड रिवेन्यू सिस्टम. अब उनका जैसे सू डायनेस्टी ने जो पॉलिसीज एस्टेब्लिश की थी, वही पॉलिसीज मुगल ने भी फॉलो की. विद द हेल्प ऑफ पर्शियन किंग शाह तम हुमायूं कंक्वाडेड काबुल एंड कांधार एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. और फिर उन्होंने पर्शियन किंग, जो पर्शियन किंग थे, उनकी हेल्प से बहुत सारी प्लेसेस को कॉन्क्वायर किया. मतलब कॉन्क्वायर करना मतलब जीतना. तो बहुत सारी प्लेसेस को उन्होंने कॉन्क्वायर किया, जैसे कि काबुल है, कंधार है, एंड ऑल्सो कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. दिल्ली और आगरा को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था. ही रीस्टैब्लिश द मुगल रूल इन 1555 बट डाइड इन 1556. अब उन्होंने मुगल एम्पायर को रीस्टैब्लिश किया 1555 में, और नेक्स्ट ईयर 1556 में उनकी डेथ हो गई, लिविंग बिहाइंड हिज माइनर सन अकबर. और तब उनका एक सन था अकबर, ही वॉज अ माइनर, ही वॉज नॉट मोर देन 18 ईयर ओल्ड. ठीक है, अकबर उस टाइम पे 18 ईयर्स के भी नहीं थे. माइनर सन मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज लेस देन 18. तो यहाँ पे माइनर कहा गया है. ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया हुमायूं का सेक्शन? तो व्हाट वी हैव स्टडी टुडे इज अबाउट बाबर, एंड द सेकंड वन वाज अबाउट बाबर एंड हुमायूं. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड नेक्स्ट
about Akbar, and the second text about Jahangir. The two topics that you have to read is about Akbar and Jahangir. ठीक है, अकबर और जहांगीर वाले जो पैराग्राफ्स हैं वो आपको रीड करना है. गॉट इट? जो भी आपको उसमें समझ में नहीं आए, यू हैव टू अंडरलाइन दैट लाइन, और जब मैं कल आपको समझाऊंगी तो आप उसे ध्यान से सुनोगे. ठीक है, अभी तक कोई डाउट आपको? ओके, तो अब आप पढ़ाई चालू कर दो. हो गई बहुत सारी वैकेशंस, राइट?